हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। तो मैं आप लोगों के साथ में शॉर्ट हेयर स्टेप्स कटिंग शेयर करने वाली हूं। सबसे पहले हेयर को अच्छे से गीला करके टैंगल फ्री कर लेंगे। उसके बाद में हमें यहां पे करनी है बॉक्स पार्टिंग। ओके, मैं करने वाली हूं, जैसे कि हमें मून स्टेप्स कटिंग करना रहता है, सेक्शन आपको सेम वैसे डिवाइड करना है, लेकिन आज जो है हमें सी शेप में कोई भी सेक्शन डिवाइड नहीं करना है, बराबर बराबर ही सेक्शन डिवाइड करेंगे। तो जैसे यहाँ पर आप देख सकते हो मैंने बॉक्स पार्टिंग की हुई है। उसके बाद में पीछे से हमें बराबर बराबर थ्री पार्ट्स में इसे डिवाइड कर लेना है। हेयर इक्वल होने चाहिए, कम ज़्यादा नहीं रखना है, और इसे अच्छे से सिक्योर कर देंगे। क्योंकि होता क्या है कि जब हम रूट से कोमिंग करने के लिए कोम को ले जाते हैं ना, तो वहाँ पे फंसने के चांसेस होते हैं। साइड वाले हेयर भी आपके कोम में आने का ऐसा रहता है कि आ सकता है। तो अब अगर आप इस तरीके से उसको सिक्योर कर देंगे ना, तो फिर आपको टेंशन नहीं होगा, फटाफट से कोम कर लेंगे। उसके बाद में यहाँ पर इसे जो है इसे टू पार्ट्स में डिवाइड करना है। बीच वाले सेक्शन को भी बराबर ही आपको पार्टिंग करनी है, कोई आपको शी आकार में पार्टिंग नहीं करनी है, बराबर पार्टिंग कर लेंगे। ऊपर की तरफ लेके जाएंगे कोम करते हुए, उसके बाद में धीरे धीरे हम सामने की तरफ डाउन करेंगे। सामने की तरफ देखिए लेके जाएंगे और सिर को बिल्कुल सीधा ही रखेंगे। पहले सामने की तरफ कोम करते हुए लेके जाएंगे, फिर हाथ को पीछे की तरफ लाना है और यूँ बराबर कट कर देना है। फिर हम क्या करेंगे, जो नीचे के हेयर बचे हुए हैं ना, हम उनको भी जो है एक साथ में ऐसा मिक्स कर लेंगे, उठाएंगे अच्छे से कोम करते हुए। इसे भी सेम वही प्रोसेस करना है, पहले हम सीधा कोम करते हुए ऊपर ले जाएंगे, फिर धीरे धीरे जो है सामने की तरफ डाउन करेंगे इस तरीके से। ये देखिए, और आप देख सकते हैं हेयर साइड वाले मैं अच्छे से पिन अप करके छोड़ दी हूँ, सिक्योर है ना, तो मुझे बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं हो रही, हेयर फंस नहीं रहा, बहुत अच्छे से कटिंग होते जा रही। अब हम इसे भी जस्ट अपनी गाइडलाइन के हिसाब से बराबर कट कर देंगे। तो ये एक बार हो चुका है, लेकिन अभी इसको एक बार रीचेक करना बहुत ज़रूरी है। तो इसके लिए फिर से कोम करते हुए हेयर को ऊपर की तरफ लेके जाएंगे, जो भी हेयर अनइवन लगेगा उसको हम यूँ बराबर कट लगा देंगे। तो ये हो चुका है, और देखिए इतने में बहुत ही सुंदर स्टेप्स आ गया है। ओके, तो अब सेम ऐसे ही हमें साइड वाले हेयर भी कट करना है। तो उसके लिए पहले हम गाइडलाइन निकालेंगे। देखिए थोड़े से हेयर को मैं निकाल ली हूँ, और कटिंग करने वाले हेयर के साथ में यूँ मिक्स कर लेना है। इसे भी हम टू पार्ट्स में डिवाइड कर लेंगे, हाफ हाफ करके ऐसा। देखिए बराबर ही पार्टिंग कर रही हूँ, कोई सी सेक्शन डिवाइड नहीं कर रही। इसे भी सेम वैसे ही ऊपर की तरफ पहले लेके जाएंगे, फिर धीरे धीरे डाउन करते हुए हम सामने की तरफ लेके जाएंगे। कोमिंग पे खास ध्यान देना, ओके, क्योंकि जितना परफेक्ट आप कोम करोगे आपके हेयर उतने ही अच्छे से जो है स्ट्रेट होंगे, फिर आपको ना कटिंग करने में प्रॉब्लम नहीं होगी, बहुत अच्छे से आपको मेजरमेंट मिल जाएगा। तो इसे भी जस्ट अपनी गाइडलाइन के हिसाब से बराबर कट कर देना है। नीचे वाले हेयर को भी एक साथ में हम उठाएंगे, अब सामने की तरफ लेके जाएंगे। और हाँ, ये कटिंग घर पे हो रही है, पार्लर में नहीं हो रही, ये मेरी फ्रेंड है, इनका हेयर कट मैं आप लोगों के साथ में हमेशा डिफरेंट डिफरेंट तरीके से शेयर करते रहती हूँ। और ये भी अपना हेयर कट बहुत जल्दी जल्दी लेते रहती हैं, मतलब ज़्यादा टाइम नहीं होता इनको, जैसे 2 से 3 महीने में कट लेना ही लेना है। और इनके हेयर की ग्रोथ भी बहुत अच्छी है, बहुत जल्दी हेयर की लेंथ बढ़ जाती है। तो ये एक साइड का हो गया है, दूसरी साइड भी सेम ऐसे ही हमें कर लेना है। तो वहाँ से भी हमें पहले देखिए गाइडलाइन के लिए यहाँ से हेयर को थोड़ा सा निकालेंगे। ये देखिए थोड़ी मीडियम ही हेयर लेना, ताकि गाइडलाइन आपको अच्छे से दिखे। बहुत पतला सेक्शन आप लोगे ना, तो फिर गाइडलाइन आपको पता कम अच्छे से चलेगी। तो थोड़ा सा थिक टाइप के लेयर को आप लेंगे। इसे भी टू पार्ट्स में डिवाइड करना है, और यूँ सामने की तरफ लेके जाएंगे। ये देखिए अच्छे से होल्ड करेंगे, हाथ को पीछे की तरफ लाएंगे फिर, और बराबर कट कर देना है। ये देखिए लास्ट वाले हेयर को भी ऐसे ही इसी के साथ में हम मिलाएंगे, और सामने की तरफ पहले लेके चलेंगे धीरे धीरे। कभी भी जस्ट एकदम से ऊपर नहीं लेके जाएंगे, और एकदम से सामने भी नहीं लेके जाएंगे। पहले धीरे धीरे आपको कोम करते हुए ऊपर की तरफ हेयर को लेके जाना है, फिर धीरे धीरे डाउन करते हुए सामने की तरफ लेके जाना है, और यूँ
हाथ को पहले सामने फिर पीछे लाके ऐसा कट कर देंगे। जहाँ से आप मेज़र करेंगे वहीं से आपको कट करना है। मेज़र करने के बाद में आपको अपनी फिंगर लूज़ नहीं करनी है, हेयर बिल्कुल आपकी ग्रिप से छूटना नहीं चाहिए। तो ये नीचे का देखिए पूरी तरीके से कंप्लीट हो गया है। अब हमने जो बॉक्स पार्टिंग की हुई है उसको हम ओपन करेंगे इस तरीके से देखिए, और इसको पीछे की तरफ डायरेक्ट मैं डाउन करके कट करने वाली हूँ देखिए, और इसे तिरछा कट करेंगे ठीक है। ये देखिए आपको बहुत ही नज़दीक से दिखाते हुए चल रही हूँ ताकि आपको प्रॉपर समझ में आ सके। फिर से एक बार रीचेक कर लेंगे। पीछे साइड में लेके चलेंगे और यूं इसे फिर से जो है हम थोड़ा सा कट लगाएंगे और हल्की हल्की सी इसमें हम नोचिंग करेंगे। ये देखिए इसमें थोड़ा थोड़ा सा मैं नोचिंग कर दूंगी ताकि सुंदर सा लुक आ जाए। ये देखिए इसको ओपन करने के बाद में स्टेप्स कट का जो लुक है ना वो बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाएगा, ये आप देख सकते हैं। इसके बाद में हम क्या करेंगे, हेयर को जो है अब हाफ एंड हाफ डिवाइड कर लेंगे और सामने की तरफ लेके चलेंगे इस तरीके से। सामने जाके आप पार्टिंग करेंगे और दोनों तरफ के हेयर को सामने की तरफ लेके आ जाएंगे। और ये हेयर कट ना आप ऑल टाइप्स के हेयर पे कर सकते हो, सिर्फ जिसका बहुत ज़्यादा कर्ली हेयर हो उस पर आप स्किप कर देंगे, बाकी सभी टाइप के हेयर पे कर सकते हैं। अब हमें क्या करना, सामने से देखिए इस तरीके से हेयर को निकालेंगे पहले और इसे हम थोड़ा थोड़ा सा कट लगाएंगे ताकि थोड़ा सा फेस लुक भी अच्छे से चेंज हो और कटिंग में जो है और अच्छा लुक आ जाए। ताकि जैसे ये सामने रखना चाहेंगी साइड पार्टिंग करके या पफ बना के ओपन करके रखना चाहेंगी तो फ्रंट से लुक बहुत अच्छा आएगा। तो इसे बराबर पहले कट कर लेंगे इस तरीके से। साइड वाले हेयर को भी सेम वैसे ही अपनी गाइडलाइन के साथ में मिक्स करते हुए बराबर कट लगा देंगे। ये देखिए थोड़ा थोड़ा ही कट होता है लेकिन देखिए प्रोसेस आप जितना अच्छे से करेंगे 2-3 रिपीट करके उतना अच्छा आपका कटिंग होगा। सिंपल एक कटिंग से उतना अच्छा लुक नहीं आता, जब आप उसमें कम से कम 1 से 2 या 3 कटिंग मिक्स करते हो ना तो कटिंग का लुक बढ़ जाता है। तो यहाँ पे देखिए ये हो चुका है। उसके बाद में हम क्या करेंगे, लेयर मिक्सिंग कर देंगे। तो 1 स्ट्रोक लेयर कट करेंगे। तो यहाँ पे मिक्सिंग और कटिंग दोनों एक साथ में हो जाएंगे, इसके लिए अलग अलग से कटिंग करने की ज़रूरत नहीं लगेगी। हेयर को एक साथ में इस तरीके से होल्ड कर लेंगे, कान के ऊपर से कोम करते हुए लेके आएंगे। ये देखिए जैसे हम स्पेशली लेयर कट करते हैं तो उसके लिए हम लेयर वाइज सेक्शन वाइज पतले पतले लेयर उठाते हैं और कट लगाते हैं, लेकिन यहाँ पे जो है जैसे कि आप बैक साइड से स्टेप्स कटिंग कर चुके हो तो उसके लिए 1 स्ट्रोक में ही आप लेयर कट कर लेंगे। इससे आपका लेयर कट और लेयर मिक्सिंग दोनों एक ही स्ट्रोक में हो जाएंगे, आपको बार बार प्रोसेस करने की ज़रूरत नहीं लगेगी। तो वही प्रोसेस आपको इस तरफ भी कर लेना है। कान के ऊपर से कोम करेंगे, हेयर को सामने की तरफ लेके आएंगे। देखिए तो इस तरफ भी सेम वैसे ही हेयर को सामने की तरफ लेके आएंगे और बराबर कट करके हल्का सा नोचिंग कर देंगे। और मैं इनके बालों पे सिर्फ और सिर्फ कटिंग करी हूँ, सेटिंग के लिए मैंने कोई एक्स्ट्रा प्रोसेस नहीं किया हुआ, यहाँ तक कि राउंडर ब्रश भी मैं इनके बालों पे नहीं लगाने वाली हूँ, हाथ से सेटिंग करूँगी। जो भी लुक आप देखेंगे वो सिर्फ और सिर्फ कटिंग का होगा। तो यहाँ पे देखिए ये सामने से कंप्लीट हो गया है। थोड़ा सा फेस लुक और अच्छा चेंज करने के लिए मैं क्या करूँगी, पतली सी फ्लिक्स कट करूँगी। उसके लिए ना बीचों बीच से एक मीडियम सी लेयर उठाने वाली हूँ, वो भी मैं आपको दिखा रही हूँ। ये देखिए इस तरीके से उठाएंगे बीचों बीच से। सामने की जो पार्टिंग है वो वी शेप में आपको रखनी है, आप देख सकते हैं मैंने इनकी वी शेप में रखी हुई है। तो पहले हम क्या करेंगे, सामने यू स्ट्रेट ला के कट करेंगे बराबर। ये देखिए उसके बाद में ऊपर की तरफ ले जाके थोड़ा थोड़ा सा कट करेंगे ताकि अच्छा सा स्टेप्स लुक आ जाए। ये देखिए इस तरीके से। तो सबसे मेन तो हमारी कटिंग होती है, कटिंग आपकी अच्छी रहनी चाहिए क्योंकि सेटिंग का लुक तो बहुत ही थोड़े टाइम के लिए होता है, सबसे मेन होता है आपका हेयर कट। तो यहाँ पे इनका कटिंग जो है कंप्लीट हो चुका है। उसके बाद में पीछे से हमें थोड़ा थोड़ा सा फिनिशिंग देना होगा, तो वो भी मैं आपको दिखाती हूँ। कटिंग को एक बार आप ना आइट साइड से अच्छे से चेक भी कर लेंगे। तो ये साइड से थोड़ा सा और शॉर्ट करें क्योंकि ये ओपन हेयर ज़्यादा रखती हैं, तो ओपन में थोड़ा इस तरीके से आएगा तो ज़्यादा अच्छा लगेगा। फिर अब हमें करना है नीचे नीचे से हेयर को फिनिशिंग बैक में ले जाके, ताकि कटिंग जो है लॉन्ग टाइम तक बिल्कुल अच्छा दिखते रहे।
अगर हेयर बढ़े तो भी वो एक शेप में बढ़े। तो उसके लिए जो है हमें क्या करना है, पूरे हेयर को यूँ पीछे की तरफ लेके आ जाना है, बीचों बीच से हमें एक सेक्शन डिवाइड करना जो हमारा मेन सेंटर होता है बैक का। तो नेक जो हमारा नेप एरिया होता है बैक साइड में वो हमारा सेंटर होता है, तो वहाँ बीचों बीच से आपको हेयर डिवाइड कर लेना है। ये देखिए कॉम करेंगे तो आपको खुद आइडिया लग जाएगा। बीच वाले पार्ट्स को बराबर कट करेंगे और जो साइड वाले हेयर हैं उन्हें तिरछा कट करेंगे। अगर हेयर अच्छे घने हैं तो आप उसमें ज़्यादा तिरछा करेंगे तो उसमें अच्छा डीप यू आएगा और अच्छा भी लगेगा। लेकिन अगर किसी का हेयर थोड़ा मीडियम है, पतला टाइप का है, तो आप उसमें थोड़ा कम तिरछा करेंगे तो हेयर घना दिखेगा, पतला नहीं लगेगा। ज़्यादा डीप कर देने से पतले हेयर और पतले लगने लगेंगे, इसके लिए ये चीज़ का ध्यान रखेंगे। तो देखिए मैं तिरछा कट करते हुए जा रही हूँ, दोनों तरफ हमें इक्वल प्रोसेस कंप्लीट कर लेना है। ये देखिए फिंगर में ग्रिप करेंगे और यूँ कट करते हुए चले जाएंगे। वैसे तो मैं हर एक चीज़ को बहुत बहुत ही ज़्यादा डिटेल में बताती हूँ, दिखाती हूँ, समझाती भी हूँ, लेकिन फिर भी अगर आप लोगों को कुछ समझ में ना आए, कुछ डाउट रहे, तो उसके लिए आप लोग मुझे इंस्टा पे मैसेज कर सकते हैं। इंस्टा आईडी आपको वीडियो में भी दिख जाएगी, साथ ही साथ हर एक वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं प्रोवाइड करती हूँ, तो वहाँ से आप चेक कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए मैं यू कट भी इनका फिनिश कर ली हूँ, ठीक है। और इनके जो लेंथ है वो तो आपने देखी है, ज़्यादा लॉन्ग हेयर इनके नहीं है, तो मीडियम हेयर पे भी आप बहुत अच्छे से कटिंग करके दे सकते हो। ज़रूरी नहीं है स्टेप्स का मतलब ये बिल्कुल भी नहीं होता कि आप बिल्कुल शॉर्ट करके ही कटिंग करें। मैंने लंबे से लंबे बालों पे और शॉर्ट से शॉर्ट हेयर पर भी स्टेप्स कट बताया हुआ है। तो यहाँ पे देखिए विदाउट सेटिंग आप इनका लुक देख सकते हैं, अभी काफ़ी गीले हेयर हैं, थोड़ा ड्राई हो जाएंगे तो ये और अच्छा लगेगा। तो सेटिंग के लिए मैंने कोई खास प्रोसेस नहीं किया हुआ है, मैं यहाँ तक कि ज़्यादा कोमिंग भी नहीं कर रही उनके बालों पे, यूँ एक साथ में ऐसा उठा ली हूँ, ऊपर की तरफ राउंड की हूँ और यहाँ पे ये इनका कट सेटिंग जो है कंप्लीट हो गया। तो अगर आप और भी ज़्यादा अच्छी सेटिंग चाहते तो उसके लिए राउंडर ब्रश का यूज़ करेंगे तो सेटिंग और भी ज़्यादा अच्छी दिखेगी, हेयर का लुक जो वो और ज़्यादा एकदम फाइन दिखता है। तो ज़रूरी नहीं कि आपके पास में बहुत सारे सामान हो, आप कम चीज़ों से भी हेयर कटिंग सेटिंग दोनों चीज़ें कर सकते हैं। तो देखा ना आप सबने, कटिंग के साथ साथ सेटिंग भी बहुत इजीली हो गई है। कैसा लगा आज का वीडियो मुझे कमेंट करके आप लोग जरूर बताना। कल मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।